दोस्तों क्या आपको पता है जो मोबाइल में होता है ना आईफोन में, ओके आईफोन में उसमें क्यों नहीं होता मेमोरी चिप, ओके उसके लिए स्लॉट क्यों नहीं होता, उसके लिए बेसिक सा टू रीजन है। जो पहला रीजन है बहुत ही सिंपल है, उनका आईफोन का मानना है कि जितना कंपोनेंट कम हो उसमें आईफोन जितना हॉट दिख सके, ओके जितना स्लिम हो सके, इसलिए उनमें जो डेवलपर होते हैं उन लोग जो मॉडलिंग करते हैं उन लोग चिप के लिए नई स्लॉट रखते हैं। और एक बेसिक चीज, दूसरा जो रीजन है उनका प्रोसेस में स्लो होगा, ओके जो प्रोसेस में स्लो होगा क्या होगा कि आईफोन तो इतने ज्यादा दाम लेके खरीद रहे हैं लेकिन उन लोग जब छोटा सा भी मेमोरी चिप घुसाएंगे ना उनपे क्या पड़ेगा कि उनका कम रुपया का भी 200-400 में भी चिप आता है उन लोग उस टाइप का चिप वाला चिप घुसा देंगे, ओके चिप क्वालिटी का। वहां पर क्या होगा कि आईफोन का जो प्रोसेस होगा ना वो यहाँ पर स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो नाम किसका बर्बाद होगा, आईफोन बहुत स्लो चलता है। इसलिए उन लोगों ने भी रखा है चाहे तो ज्यादा ज्यादा इंटरनल स्टोरेज वाला आता है डिवाइस, ज्यादा ज्यादा रेट वाला ऐसे लोग भी खरीद पाए, ओके उनका भी सेलिंग हो बढ़े। इसलिए उन लोग सिंपली क्वालिटी का नहीं रखते हैं, ज्यादा ज्यादा बढ़ा के रखते हैं, आप चाहे तो भी खरीद सकते हो ज्यादा ज्यादा से, ऐसे उनका सीन कुछ रहता है, इसलिए उनमें चीप का स्लॉट नहीं होता है। मिलते हैं पार्ट टू के साथ। Yard.